नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के बारे में। यहां पे हम आपको बताएंगे अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है और आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए हैं, और बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हमारे खाते से जो पैसा काटा गया है वो क्या हमें वापस से रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा या नहीं मिल पाता है। तो मैं बात करता हूँ, बहुत से ऐसा होता है कि आपको आपके खाते से जो पैसा काटा गया है वो आपको कई बार वापस नहीं मिलता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके खाते से पैसा कट हो चुका है, आपने अपील किया तो वो पैसा आपको वापस से मिल जाता है। तो किस प्रकार का आपको पैसा वापस नहीं मिलता है और किस प्रकार का पैसा आपको वापस मिल जाता है, दोनों के बारे में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपका जैसे कोई एटीएम है, कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है उसी का एक आपके पास एटीएम है, जैसे कि एक होता है नॉर्मल सा एटीएम जिसमें 299 रुपये चार्ज लगता है साल का, एंड सेकेंड होता है कि जैसे पीवीआर है ना, पीवीआर कोटक का पीवीआर, उसमें 400-500 के आसपास लगता है। अगर उसका चार्ज आपका लग चुका है तो वो फिर आपको वापस से रिफंड नहीं होता है। सेकंड चीज़ में बात करूंगा, जैसे कि मान लीजिए आपके खाते में मतलब अभी एक भी पैसा वगैरह नहीं है और आपका कोई एटीएम का ही चार्ज हो सकता है वो कट गया हो, ठीक है ना, और आपने अभी तो उस आपके खाते में एक भी रुपये नहीं है तो अभी तो फिलहाल वो माइनस में चला गया, लेकिन जब इन फ्यूचर कभी भी आप अपने खाते में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाएगा, है ना। एक तो ये वाला पैसा अगर कट गया तो ये भी आपको वापस से नहीं मिलता है। तीसरा, जैसे मान लीजिए आपके कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट में कम से कम एक मेंटेनेंस चार्ज होता है, जैसे कि मान के चलिए 1,000 रुपये या 3,000 रुपये, तो 3,000 से कम अगर होगा आपके खाते में तो आपका पैसा कट जाएगा। इसमें कुछ आपका पैसे काट लिए जाते हैं जो कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज उसके कहा जाता है। अगर आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटा हुआ होगा तो वो वापस आपको रिफंड नहीं होता है। तो ये 2-3 तरीके थे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इन तरीकों से अगर आपका पैसा कट गया है तो ये वापस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर अब किस प्रकार का आपको पैसा वापस मिल सकता है, जैसे मान लीजिए आपने कोटक में अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है ना, आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया है, अब आपके बैंक में ऐसा कुछ है कि मतलब कोई सर्विस चालू है, कोई पॉलिसी चालू है या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, स्मार्ट कैश ग्रुप है, ऐसा करके बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। अगर इन पॉलिसी के तहत आपके खाते से पैसा कट गया है तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाता है। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए अकाउंट में पैसा तो ये कट गया है तो अब आपको करना क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती कि अब हमें करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर केयर नंबर, जैसे कि मान लीजिए अभी नंबर मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, नंबर मैंने आपको दिया, ये नंबर टाइम के साथ अपडेट हो जाएगा, तो अभी जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ये नंबर इन फ्यूचर हो सकता है नहीं लगे, तो यहाँ पे मैं आपको फिलहाल एक नंबर दे रहा हूँ, अगर ये नहीं लगता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। गूगल पे जाना है, सर्च करना है कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर केयर नंबर, जैसे आप ये सर्च करेंगे वहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आप क्लिक करेंगे या फिर नोट कर लेंगे। याद रहे अगर आपने गूगल से नंबर निकाला है, और एक होता है कंट्री कोड +91, जैसे आप नंबर निकालेंगे 1800 करके नंबर होगा, है ना, तो ध्यान रखना है +91 जो कंट्री कोड होता है उसको नहीं लगाना है, उसको हटा देना है, बाकी के जो नंबर बचता है 1800 इसके बाद से जो नंबर होते हैं वो लिखकर आपको डायरेक्टली कॉल कर देना है। जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी कस्टमर केयर से जब बात होगी तो आपको बताना है कि हमारे खाते से जो बैलेंस कट हो गया है किस कारण से हुआ, तो आपको बताएंगे आपका ये पॉलिसी था, कुछ भी आपको बता सकते हैं। तो उनको डायरेक्टली बोलना है कि हमें ऐसे किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी की नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे खाते से जो पैसे काटे गए हैं वो वापस से हमको रिफंड हो जाए। तो वहाँ पर जब आप ऐसा कहेंगे तो हो सकता है वो ये बोलें कि हाँ आप इसके लिए दूसरे कस्टमर केयर नंबर है, दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल करिए, तो उनसे नंबर पूछ लीजिए, और डायरेक्टली फ़ोन आपको नहीं काटना है। जब वो आपको नंबर बताएंगे तो एक दूसरा फ़ोन आपको अपने साथ में रखना है। क्यों रखना है पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऐसा होता है कि आप तो एक देखिए, पहले बात आप कस्टमर केयर में नंबर लगाते हैं, 2 दवाएँ 5 दवाएँ फिर कस्टमर केयर से बात करने के लिए ऐसे करके कोई नंबर बताएंगे, एक तो इसमें 10 से 15 मिनट आपका लग जाता है कस्टमर केयर से कॉल में बात करने के लिए, ठीक है ना। ऊपर से जब आप बात करते हैं, नंबर बताते हैं, वो फिर वो नंबर अगर आपका नहीं लगता है फिर वापस से आप उनको कॉल लगें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कॉल करना है कस्टमर से जब आपकी बात हो रही हो, दूसरे फ़ोन पे जो वो नंबर आपको बताएगा वही बताए गए नंबर पे आपको वापस से कॉल करना है, ठीक है ना, उसी के सामने उसको होल्ड में रहने देना। जब आपकी सही जगह बात हो जाए तब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ उन्होंने जो नंबर दिया है वो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप वहाँ पे जब बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका खाते में जो पैसा काट लिया गया था वो आपको वापस से रिफंड
कर दिया जाएगा। ये पैसा आपके यहाँ कम से कम 7 से 8 दिन के बाद आपके खाते में वापस से क्रेडिट हो जाएगा, तब तो ठीक है उसने आपको सही नंबर दिया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर केयर द्वारा जो नंबर दिया जाता है वो भी गलत होता है, फिर वो नंबर में जब आप बात करेंगे तो वो आपको कोई दूसरा नंबर देगा, फिर वो कोई आपको अलग नंबर देगा। तो एक ही बार में जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने नंबर दिया, गलत जगह नंबर लग गया है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये नंबर तो यहाँ का है, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। आप ऐसा करके बात कर सकते हैं, है ना। और आपको पूरी चीज़ें पता चल गई होंगी किस तरह का आपको वापस से पैसा रिफंड हो जाता है, किस तरह का आपको पैसा आपको रिफंड नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो को जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।